कोई भी सुपर हीरो मूवीज में अपने सूट कैसे पहनते हैं, क्या ये रियल होते भी हैं? अरे टोपिया भैया, आपको ये भी नहीं पता ये सूट वूट कुछ नहीं होता है? ना ना, खाली CGI और VFX इस सब से ही बना देते हैं ये लोग। बेटा लहसुन, तुमसे ना हो पाएगा। 30 सेकंड में हम बताएंगे ये सारी बकैती कैसे की जाती है। आप बस वीडियो को लाइक करके नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबा दीजिए। सबसे पहले किसी भी हीरो के सूट का प्रोटोटाइप डिजाइन किया जाता है और कई सारे मॉडिफिकेशन और अप्रूवल्स के बाद फाइनली इसका एक रियल प्रोटोटाइप बनाया जाता है और इसके बाद इन सूट्स का रियलिटी चेक किया जाता है। सब कुछ ठीक होने पर फाइनली हीरो को तैयार किया जाता है सूट पहनाने के लिए। ये सूट वास्तव में काफी भारी होते हैं और इनको पहन के एक्टिंग करने में हालत खराब हो जाती है। रियल सूट के साथ कई सारी जगह पर ग्रीन पार्ट लगाया जाता है और इन सब के बाद सीन्स को शूट किया जाता है। अब यहाँ से शुरू होता है CGI और VFX का काम। सूट में जो ग्रीन वाला पोर्शन लगाया गया था उसके ऊपर से इफेक्ट डालना काफी इजी पड़ता है और वो बहुत ही रियलिस्टिक इफेक्ट दिखाई देते हैं। वैसे रॉकी भैया और आयरन मैन में आपका फेवरेट कौन है कमेंट करके जरूर बताइएगा।